बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एमसीबी इंडिकेटर की वायरिंग का अमल सीखेंगे। अगर हमारा एक ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाए तो हमें इन्फॉर्म हो जाए कि हमारा ये ब्रेकर ट्रिप कर गया है, और हमें जो है वो ब्रेकर को ऑन करना या उसका फॉल्ट जो है वो दूर करने का जो है वो जो है काम करें। तो ये हमारे पास दो टुकड़े हैं वायर के जो हमने इंडिकेटर के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये हमारे पास इंडिकेटर है, तो इसको हम जो है वो एक वायर का टुकड़ा जो है वो एक साइड पे जो है वो फिट कर देंगे। इंडिकेटर की एक साइड पे एक टुकड़ा फिट करेंगे और वायर का दूसरा टुकड़ा इंडिकेटर की दूसरी साइड पे फिट कर देंगे। इस तरह ये इंडिकेटर की वायरिंग, इतनी दो टर्मिनल होते हैं इंडिकेटर के, तो दो टर्मिनल हमने जो है वो इस्तेमाल किए हैं। और ये ही दो टुकड़े इनका दूसरा सिरा जो है वो हम जो है वो ब्रेकर की एक साइड पे फिट करेंगे। और इसी इंडिकेटर की दूसरी तार जो है वो ब्रेकर के दूसरी साइड पे फिट करेंगे। तो ये इंडिकेटर को कनेक्ट कर दिया हमने ब्रेकर के साथ। अब हमें जो है वो इनपुट जो है वो फेस उसकी तार जो है वो ब्रेकर में कनेक्ट करनी है। तो इनपुट जो है वो हमेशा नीचे से ही ब्रेकर की डाउन साइड से, निचली साइड से ही जो है वो लाइन दी जाती है। तो ये हमने जो है वो ब्रेकर की जो है वो फेज़ की तार जो है वो ब्रेकर को हमने दे दिया है। और हमें ये लोड वाली तार जो है, जो हमारी वायरिंग वाली तार होती है, वो ब्रेकर की ऊपर वाली साइड में फिट होती है। तो ये हमारी लोड की तार है, जो हमारी वायरिंग की तार होती है, ये कनेक्ट कर दिया मैंने ब्रेकर के ऊपर वाले हिस्से में। तो ये लोड की तार, अब लोड का न्यूट्रल जो है वो हमारे पास ये है, और ये हमारे पास बल्ब की शक्ल में एक हमने जो है वो लोड जो है वो लिया है, जो हमारे घर में आम इस्तेमाल होता है। तो हम जो है वो अब करंट देते हैं। ये हमने करंट दे दिया और करंट का स्विच जो है वो ऑन कर दिया हमने। तो इस तरह ये ब्रेकर हमारा जो है वो ऑन पोजीशन में है। तो ये इंडिकेटर हमारा जो है ये ऑफ पोजीशन में है, ये आपको व्यूअर नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम इसको ये ट्रिप कर जाता है किसी फॉल्ट की वजह से, किसी मसले की वजह से, तो ये इंडिकेट कर देगा आपको कि हमारा जो ब्रेकर है वो किसी फॉल्ट की वजह से ट्रिप कर गया है। तो हम उसका जो है फॉल्ट दूर करके फिर दोबारा हम अपने ब्रेकर को ऑन पोजीशन में करेंगे और हमारे घर की वायरिंग जो है वो दोबारा ऑन हो जाएगी। तो इस तरह ये हमें इंडिकेट करने के लिए ये वायरिंग की जाती है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ब्रेकर जो है वो कौन सा ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर गया है। तो ये थी आज की वीडियो। व्यूअर्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।